नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज आप इस वीडियो में जानेंगे वो पांच तरीके जिससे आप अपनी किडनी को फेल होने से रोक सकते हैं। किडनी फेल एक कॉमन सी दिक्कत बनती जा रही है। हम अपने आसपास लोगों को जानते हैं जो डायलिसिस करवा रहे होते हैं, जिनकी किडनी ख़राब हो रही होती है। मगर अगर आपकी किडनी अभी ख़राब होनी शुरू हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि आज आप जान जाएंगे कि किस तरह से आप अपनी किडनी को ख़राब होने से रोक पाएंगे। तो पहला तरीका किडनी को ख़राब होने से रोकने का होता है कि उस बीमारी की पहचान करो जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है। किडनी ख़राब होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कभी वो बीपी होता है, कभी वो शुगर होता है, कभी वो पारिवारिक कोई बीमारी पॉलीसिस्टिक किडनी या फिर आईजीए नेफ्रोपैथी जैसी बीमारी होती है। मगर 80% किडनी हमारी ही गलतियों से ख़राब होती है और उन गलतियों में नाम आता है हाई ब्लड प्रेशर का और हाई शुगर का। ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर इन पर हम काम करें। तो पहला काम क्या होता है जब किडनी ख़राब हो रही होती है, पहचान करना कि किस बीमारी की वजह से आपकी किडनी ख़राब हो रही है। अगर आपकी किडनी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब हो रही है तो उसकी पहचान करो कि हाँ सच्ची में वो बीपी से ही खराब हो रही है। अगर वो शुगर से खराब हो रही है, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो, बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज की मेडिसिन लेते आए हो, डायबिटीज की मेडिसिन से डायबिटीज की वजह से आपकी किडनी पे इंपैक्ट आ रहा है, समझ में आता है। अब इस पर काम करना आसान हो जाता है, इसलिए स्टेप नंबर वन हम इसको मान के चलते हैं। अब सवाल ये होता है कि इसकी हम पहचान कैसे करें। अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है, अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर आपकी किडनी श्रिंक्ड आ रही है, स्मॉल आ रही है, तो मतलब आपकी जो किडनी खराब हो रही है वो खराब हो रही है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अगर आपकी किडनी का साइज ओके आ रहा है बट आप डायबिटिक के पेशेंट रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, यानी आपकी जो किडनी खराब हो रही है वो हो रही है डायबिटीज की वजह से, तो ये पहचान में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप के ऊपर, वो है डाइट। हम कुछ भी खाते हैं उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ कितनी आएगी, कितनी वीकनेस आएगी, वो हमारे डाइट पे डिपेंडेंट होता है। इसी तरह से एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर जहाँ पे क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ रही होती है, वहाँ पर क्रिएटिनिन की वैल्यू और यूरिया की वैल्यू भी डिपेंडेंट हो जाती है खाने के ऊपर। अगर खाने के अंदर आप प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, फिश, चिकन, मटन, दालें, पनीर, दूध की बनी हुई आइटमें, मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे पेशेंट की बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से वो रिपोर्टों में भी ज़्यादा आता है। अगर आप फ्राइड खाना खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कचौड़ियाँ पसंद हैं, भटूरे पसंद हैं, तो भी आपकी बॉडी के अंदर यूरिया के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि डाइट से हम अपनी बॉडी के अंदर वेस्ट मिनरल की जो प्रोडक्शन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं, यूरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। जिनको डाइट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जो चाहते हैं कि डाइट को गहराई से समझे, तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के एंड पे लिंक दूंगा, उस पर जाकर आप विजिट करके डाइट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। मगर इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद जाइए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने किडनी को ख़राब होने से रोकना है तो हमें एक और चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस को आप नहीं जानते होंगे, मैं आपको उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हमारी किडनी ख़राब होती है तो किडनी के बहुत सारे काम भी नहीं हो पाते, क्रिएटिनिन नहीं निकल पाता, यूरिया नहीं निकल पाता। इसी के साथ एक और चीज़ हमारी बॉडी से नहीं निकल पाती, वो है एसिड। ये एसिड हमारी बॉडी में, हम जैसे पेट में फील करते हैं, ये वो वाला एसिड नहीं होता। ये नॉर्मल हमारे जो सेल्स हैं जब खाना खाते हैं तो छोटी छोटी मात्रा में एसिड बनाते रहते हैं। इसका बॉडी से निकलना यूरिन के रास्ते बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ना निकले तो क्रिएटिनिन और यूरिया की तरह ये भी हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारी KFT रिपोर्ट में दिखाया नहीं जाता। जब ये एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो एसिडिक रीज़न की वजह से ये जब ब्लड हमारी किडनी में जाता है तो हमारी किडनी को फर्दर डैमेज कर देता है और नुकसान बढ़ा देता है, और इस कंडीशन में हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। इसके लिए यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको पेट में जलन हो रही है, एसिड हो रही है, तो आप क्या लेते हो, इनो लेते हो ना, तो इनो के अंदर भी जो मेन चीज़ है जो काम करती है वो बेकिंग सोडा ही होता है। अब हमने ब्लड के अंदर जो एसिड है उसका इफेक्ट ख़त्म करना है, तो इसमें भी हम बेकिंग सोडा ही लेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट ही लेंगे। तो ये टैबलेट्स में अवेलेबल होता है। हर किडनी फेलियर पेशेंट को इसकी अमाउंट सही तरीके से लेना ज़रूरी होता है और इसका टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो, KFT करवाते हो, तो साथ में अपना सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट भी ज़रूर करवाओ, जिससे आपको ये पता लगता रहे कि आपका ब्लड एसिडिक तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आपका ब्लड एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी किडनी तेज़ी से ख़राब होगी, और अक्सर ये देखने को मिलता है जब क्रिएटिनिन का लेवल 4 को क्रॉस कर जाता है, क्योंकि 4 तक हमारे ब्लड में इतना एसिड इकट्ठा नहीं होता कि हमारे टिश्यू को डैमेज करिए।
जब क्रिएटिनिन का लेवल 4 का पहुंचना शुरू हो जाता है तो बॉडी में इतना एसिड एक्यूमुलेट हो रहा होता है कि अगर से हम सेटल नहीं करते तो लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस का ध्यान रखना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर। अगर आप अपनी किडनी को ख़राब होने से रोकना चाहते हो तो जो दो बीमारियाँ सबसे बड़ी है जो हमारे कंट्रोल में होती है, बीपी और शुगर, इसकी मेडिसिन हम सब ले रहे होते हैं, मगर मेडिसिन लेने के बावजूद भी हम देखते हैं कि किडनी ख़राब होती चली जाती है, क्योंकि पेशेंट एक बहुत कॉमन सी गलती कर रहा होता है, वो है मॉनिटरिंग नहीं करना। आपने मेडिसिन ली है बीपी की, मानते हैं, बट वो बीपी की मेडिसिन आपकी बीपी को नॉर्मल वैल्यूज में लेके जा रही है नहीं लेके जा रही, इसका ख्याल सारे के सारे पेशेंट रखना भूल जाते हैं। तो आपने वो गलती नहीं करनी। अगर आपको बीपी की दिक्कत है तो आप मेक श्योर करोगे कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यूज में रहता है। तो नॉर्मल वैल्यू हमारी बीपी की क्या होती है, 120/80। अब जो नीचे वाला है अक्सर पेशेंट इसको पे ध्यान नहीं देते, वो हमेशा ऊपर वाला देखते हैं कि 130 आ रहा है, 140 आ रहा है, पर जो नीचे वाला होता है वो किडनी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, तो हमने उससे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करना होता है। तो अगर नीचे वाला आपका 100 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो उसे 80 या 80 से बिलो ले जाएंगे, तब जाकर हमारी किडनी बचना शुरू होगी। तो अपने बीपी का सिस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना आप सभी के लिए ज़रूरी है। और अगर आपको मेडिसिन बढ़ानी पड़ती है, एक्स्ट्रा मेडिसिन लेनी पड़ती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको नमक छोड़ना पड़ता है, नमक कम करना पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अगर आपने अपनी किडनी बचानी है तो अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल वैल्यूज़ के आसपास ले जाना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपने ध्यान क्या रखना है कि आपकी चाहे वो खाली पेट की शुगर हो, फास्टिंग, खाना खाने के बाद हो, पीपी, या फिर दिन में कभी भी, जिसे हम रैंडम कहते हैं, तीनों शुगर लेवल्स आपके 180 से नीचे होने चाहिए। अगर 180 से ऊपर आपकी शुगर फ्लक्चुएट करते हुए जा रही है, तो जब वो ऊपर जा रही है तो वो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाएगी। ना सिर्फ किडनी को नुकसान पहुंचाएगी, बाकी बॉडी की जितनी भी ऑर्गन्स है उसको भी नुकसान पहुंचाएंगी, चाहे वो आपकी आईज हो, चाहे आपका हर्ट हो, चाहे आपके लंग्स हो। तो कोशिश करो कि अपनी जो शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल्स है, उन्हें 180 से बिलो ही रखने की कोशिश करो। चाहे उसके लिए हमें इंसुलिन लेना पड़े, चाहे हमें उसके लिए मेडिसिंस में बदलाव करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें डाइट में बदलाव करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने किडनी को बचाना है तो आपको इन चीज़ों पर काम करना ही पड़ेगा। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो और वो कंट्रोल में नहीं है, तो वहाँ पर आपको अपने अंदर, अपनी मेडिसिन के अंदर बदलाव करने की ज़रूरत होती है। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए, वो है क्रिएटिनिन और यूरिया, यूरिक एसिड, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना यूरिन के रास्ते पहले से बेटर। अगर आप सब चीज़ें कर लेते हो और किडनी पे काम नहीं करते तो आपको रिजल्ट्स टेम्परेरी बेसिस पे तो मिल जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म में नहीं मिल पाते। अगर हम अपनी किडनी पे थोड़ा सा काम करते हैं, अपनी एक्सक्रीशन जो है, वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशन है, क्रिएटिनिन की क्लियरेंस रेशियो को बढ़ा देते हैं, तो हमारा ब्लड साफ होगा या नहीं होगा, पहले से बेटर होगा। यही करना होता है हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट में। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किडनी के पास ये काबिलियत है अपनी क्लियरेंस रेशियो को बढ़ाना, गंदगी को बाहर तेज़ी से निकालना। कैसे? जब एक किडनी हमारी ख़राब हो जाती है, कभी उसमें किसी का एक्सीडेंट हुआ तो चोट लग गई, कुछ घुस गया अंदर, किडनी ख़राब हो गई, निकालनी पड़ जाती है, तो एक किडनी होने के बावजूद भी उस पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यूज नहीं बढ़ती, यूरिया के लेवल्स नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि हमारी किडनी के पास काबिलियत होती है अपने काम की क्षमता को बढ़ा लेने की। अब ये काम की क्षमता बढ़ा लेने की जो काबिलियत है किडनी की, ये हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल करनी पड़ती है। मान लो कि क्रिएटिनिन लेवल आज के डेट में आपका 4 है, यानी आपकी 60% मिनिमम 60% किडनी काम नहीं कर रही, सिर्फ 40% किडनी काम कर रही है दोनों मिलाकर। अगर हम तरीके से काम करते हैं, किडनी पे काम करते हैं, बीपी शुगर अपने कंट्रोल में रखा है, खाने का हम ध्यान रखते हैं, जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं हम उसे कंट्रोल में करते हैं, और किडनी पे काम करते हुए मेडिसिन जब हम स्टार्ट करते हैं, किडनी की क्लियरेंस यानी किडनी की फिल्ट्रेशन पावर बढ़ती है, तो फिल्टर जब किडनी ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं तो क्रिएटिनिन हो, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो यूरिया हो, वो अच्छी तरीके से बॉडी से बाहर जाता है और आपके लेवल्स डाउन होने शुरू होते हैं। और किडनी की जब फंक्शनिंग बढ़ती है तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहती है, क्योंकि यहाँ पे किडनी की फंक्शनिंग किडनी को ठीक कर पहले से बेटर काम कर ही बढ़ी है। तो हमें ये हर किडनी फेलियर पेशेंट में इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मैं आपको चाहता हूँ कि जब हम ये सारी चीज़ें एक साथ करते हैं तो किस तरह से रिपोर्टों में बदलाव आते हैं।
तो आपने खुद देखा कि किस तरह से जब हम 5 पॉइंट ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो हमें किस तरह के रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा अपनी बॉडी से। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप इसी के साथ आप सभी समय चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।